दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको सत्तुओं के फवाइद बताए थे, लेकिन बहुत सारे कमेंट मुझे आए कि हकीम साहब ये सत्तू होते क्या हैं, इसको तैयार कैसे करते हैं। तो सहरी का वक़्त है, मैं खुद सत्तू अपने लिए तैयार कर रहा था, तो सोचा आपके लिए वीडियो बनाता चलूं और आपको भी बताता चलूं। देखें ये सत्तू हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पाउडर, ये जौ के सत्तू हैं। इनका कलर देख लें और ये इनकी पूरा टेक्चर देख लें, ये सत्तू हैं। और जो दूसरी इसमें जो पूरा सत्तू बनाऊंगा उसमें जो दूसरी चीज़ मुझे चाहिए होगी वो चाहिए होगी शक्कर। ये आप देख सकते हैं ये शक्कर है, ये दो चीज़ें हैं। और ये मेरे पास एक गिलास है और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला हुआ है, ये बिल्कुल जो है रूम टेम्परेचर पर पानी है, क्योंकि इसमें शक्कर मैंने मिक्स करनी है। इसलिए अगर मैं पहले से ही ठंडा पानी डाल दूंगा तो वो शक्कर मिक्स नहीं होगी। तो चलें सत्तू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने चम्मच शक्कर ली, उसमें डाल दी पानी में जो थोड़ा सा पहले से मौजूद है ग्लास में, और ये दूसरी चम्मच शक्कर मैंने ली और ये मैंने उसमें डाल दी। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है शक्कर ये पाउडर फॉर्म में है अच्छी तरह, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो रही है, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल जो है इसमें जो शक्कर लें उसमें जो एक गांठें होती हैं वो ना हो, ताकि इजीली मिक्स हो जाए, अदरवाइज़ आपको मिक्स करने में मसला पेश आ सकता है। ये देख रहे हैं ये शक्कर मिक्स हो चुकी है। अब ये मैंने एक चम्मच लिया है सत्तुओं का, ठीक है, ये देख सकते हैं काफ़ी भर के मैंने चम्मच लिया है, ये मैं मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपने अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। ये देखिए ये हमारा जो है शक्कर भी मिक्स हो चुकी है और सत्तू मिक्स हो चुके हैं। अब ये जो है मैं ले रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ ठंडा पानी। पहले ये मैंने थोड़ा सा लिया था, ये रूम टेम्परेचर पर पानी था, ठीक है। और ये अब मैं ले रहा हूँ ठंडा पानी, ये मैंने इसमें ठंडा पानी डाल रहा हूँ। ये लीजिए बिस्मिल्लाह, आपके सत्तू तैयार हैं, ठीक है। ये जो सत्तू दोस्तों बने हैं, ये इस वक्त सहरी का टाइम है और ये मैंने अपने लिए तैयार किए हैं। और इनके अगर मैं फ़वाद की बात करूँ तो मैं ऐसे सहरी के वक्त दो गिलास इस ये आप गिलास देख सकते हैं, ऐसे दो गिलास सत्तू पीऊँगा और इंशाल्लाह इसमें शक्कर है और इसमें सत्तू हैं, तो मुझे इंशाल्लाह पूरे दिन जो है, क्योंकि इसमें शक्कर है, एनर्जी रहेगी मेरे जिस्म में। इसके अलावा सत्तू हैं, सत्तू बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ये आपके जिगर की गर्मी ख़त्म करते हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं इन सत्तुओं के, आपको गर्मी नहीं लगने देते। गर्मियों के रोज़े हैं, लेकिन अगर आप सत्तुओं का मशरूब पीते हैं तो इंशाल्लाह गर्मियों के रोज़े होने के बावजूद आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और फ़वाद की, तो रमज़ान के हवाले से इसके फ़वाद ये हैं कि बाज़ लोग होते हैं, क्योंकि आप पानी नहीं पीते, आप सहरी वक़्त पानी पी लेते हैं, उसके बाद अफ्तार तक आपने पानी नहीं पीना। तो जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनको ये मसला होता है कि उनका पेशाब जल के आता है। तो अगर आप सत्तुओं का ये इस्तेमाल करते हैं सहरी वक़्त, तो आपका जो है ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आपको पसीना कम आएगा और भी बेशुमार फ़वाद हैं। मैंने वीडियो का जो है जिसमें मैंने कंप्लीट फ़वाद बताए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। इस ये वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करता। बाकी एक चीज़ और बताते चलूँ कि मैं जो दो गिलास बनाता हूँ अपने लिए, ये आपको मैंने एक गिलास की बताई है, लेकिन उसमें मैं जो है एक चम्मच सत्तुओं की डालता हूँ और एक ही चम्मच मैं शक्कर की डालता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो एक पूरी रेसिपी है ये मैंने आपके लिए बताई थी, इसमें मैंने दो चम्मच शक्कर और एक चम्मच सत्तू डालने। लेकिन अगर आपने दो गिलास पीने हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा दो गिलासों में सिर्फ दो चम्मच शक्कर और दो चम्मच सत्तू डालिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो शेयर ज़रूर करनी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब भी कीजिए, उसको जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। हकीम अली इजाज़त चाहता है।